हेलो गाइस, क्या तुम लोग भी मान के हमें इस तरीके से खुद को देख देख के बोर हो चुके हो? तुम लोग को भी कुछ ट्रैक्टर भरकटर चाहिए? तुम लोग भी चाहते हो कि हम लोग का प्लेयर कुछ मस्त तरीके से चले? तो फिर तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ एनिमेशन पैक। यस, वह भी इजीली डाउनलोड करने वाला, मतलब तुम लोग उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो और वो एम से पैक है, मतलब इजीली तुम्हारे माइनक्राफ्ट में भी इंस्टॉल हो जाए। तो अगर सभी मैं उसको लगा के खेल रहा हूँ तो फिर देख सकते हो कि फर्स्ट पर्सन में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा फर्स्ट पर्सन। और गाइस, अब मैं आने वाला हूँ थर्ड पर्सन में। तो गाइस, तुम लोग देख सकते हो मैं थर्ड पर्सन में आ चुका हूँ। और फिर तुम लोग ये भी देख सकते हो मैं चलने के स्टाइल कितना बदल चुका है। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया कि इसमें चेंज क्या हुआ, तो फिर तुम लोग देख सकते हो ये हम लोग का नॉर्मल तरीका है चलने का माइनक्राफ्ट। अब देखो, अब तुम लोग को उड़ना चाहिए, तो फिर उड़ोगे कैसे? तुम लोग ऐसे उड़ोगे, तुम लोग देख तो बिल्कुल डिफरेंस हो, ऐसे हम लोग सीधा स्ट्रेट होकर उड़ते थे, लेकिन इसमें डिफरेंस है। और तुम लोग देख तो मैं सुपरमैन की तरह आगे की तरफ जा रहा हूँ, अगर ज्यादा तेज करता हूँ तब। अब गाइस मतलब पे आते हैं, तो फिर गाइस तुम लोग को कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पे तुम्हें सिंपली क्लिक कर देना है, फिर तुम डीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अब तुम्हें थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है, फिर जब तुम थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो फिर नीचे तुमको कुछ पिक्चर दिखाई देंगे जिसमें तुम्हें उन सारे के सारे पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, सारे के सारे मूवमेंट तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, जैसे अभी तुम्हारे स्क्रीन पे मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ भी बोलो। फिर तुम्हें थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करते जाना है। तुम लोग देख सकते हो एक में शॉट पकड़ने का, एक में भागने का, एक में रन करने का, एक में शील्ड पकड़ने का, अलग अलग तरह के हैं। लेकिन गाइस तुम्हें अब सिंपली नीचे तक एकदम सीधे तुम्हें स्क्रॉल कर देना है, नीचे तक बिल्कुल डाउन तुम्हें चले जाना है। और गाइस तुम्हें इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कोई भी टेंशन मत करना। और फिर और भी ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो फिर जरूर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। फिर गाइस बॉटम पे आने के बाद तुमको सिंपली ऊपर तक स्क्रॉल करना है, बस थोड़ा सा करने दो। उसके बाद तुम लोग जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे जहाँ पे लोग कमेंट करते हैं इसका, तुम्हें कुछ एंड्रॉइड आईओएस और फिर विंडो दिखेगा, उसके ऊपर तुम्हें मिल जाएगा डाउनलोड बटन और तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस पर तुम्हें सिंपली एक बार टैप कर देना है। जब तुम इस पर टैप करोगे तो फिर ऐसा स्क्रीन पॉपअप करेगा जिसमें लिखा रहेगा आई एम नॉट अ रोबोट, जिसको तुम्हें क्लिक कर देना, प्लीज वेट करके शो करेगा। और तुम्हारा जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तुम्हें गेट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। फिर तुम्हें एक लिंक मिलेगा जिस पर तुमको एक टैप करना, थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन रहेगा, फिर गाइस तुम्हारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। फिर तुम्हें जेड अचीवर ऐप को खोल लेना है। खोलने के बाद तुम लोग गाइस कुछ ऐसे स्क्रीन पे आ जाओगे, फिर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब तुम लोग को गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल करके ढूंढना MPA वाला फाइल को, और वो MC पैक पे रहेगा, चिंता मत करना तुम लोग कोई भी। और जब तुम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो फिर तुमको MPA मिल जाएगा, वो सीधे MC पैक में रहेगा, मतलब तुम्हें बस एक बार उस पर टैप कर देना। और जब तुम उस पर एक बार टैप कर दोगे तो फिर तुमको व्यू का ऑप्शन आएगा साथ में एरो टाइप का, जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे तुम्हारा सिंपली माइनक्राफ्ट ऑन हो जाएगा और तुम्हारा वर्ल्ड इंपोर्ट होने लगेगा, मतलब फाइल तुम्हारा आने लगेगा माइनक्राफ्ट में। और जैसे वो सक्सेसफुली हो जाए, तुम्हें बस सिंपली अपने वर्ल्ड के साइड में पेंसिल वाले में जाना है और तुम्हें सिंपली रिसोर्स पैक में चली जाना है। और गाइस रिसोर्स पैक में तुम्हें वो जो तुमने किया है उसको तुमको एक्टिवेट कर लेना है, फिर तुम मेरे तरह इस तरीके से चल पाओगे। तो गाइस इसी बात पे एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब भी कर दो ना प्लीज। ओके, बाय बाय, भागो यहाँ से।